भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस का कुख्यात सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू विदेश में बैठा हुआ है। भारत में संगठन की गतिविधियां पूरी तरह से बैन है। पन्नू अक्सर भड़काऊ बयानबाजी की वीडियो जारी करता है। ऐसा ही 1 मिनट 3 सेकंड का धमकियों का वीडियो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धर्मशाला में 7 अक्टूबर को ICC वर्ल्ड कप मैच से पूर्व जारी किया है, जिसमें धर्मशाला IPH चीफ इंजीनियर कार्यालय की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। हालांकि धर्मशाला पुलिस ने मंगलवार देर रात को ही इन स्लोगन को मिटा दिया है। हिमाचल इज नॉट इंडिया, हिमाचल बनेगा खालिस्तान। आज धर्मशाला बीच खालिस्तान जिंदाबाद SFG जिंदाबाद दीक्षा पे लगे हैं। प्रो खालिस्तान सिक्स है रिच हिमाचल प्रदेश एंड विल स्टॉप धर्मशाला खालिस्तान फ्लैग्स। वी विल अरेंज एसोसिएशन ऑफ मेजर फ्रॉम मोदी शाह एंड डोवाल। ICC वर्ल्ड कप को वर्ल्ड टेरर कप के 19 नवंबर को फाइनल मैच पर इसे समाप्त करने की धमकी दी है। इससे पूर्व कुख्यात सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मई 2022 को धर्मशाला स्थित विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी स्लोगन्स लिखे थे। कांगड़ा पुलिस ने बाद में इन स्लोगन्स लिखने के आरोप में पंजाब के रोपड़ जिला के मोरिंडा से 2 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिस पर हिमाचल पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके साथ ही इंटरपोल को पत्र भी लिखा था। पन्नू खालिस्तानी समर्थक है और सिख फॉर जस्टिस नाम संगठन चलाता है। भारत में संगठन की गतिविधियां पूरी तरह से बैन है। पन्नू अक्सर भड़काऊ बयानबाजी के वीडियो जारी करता है। SP कांगड़ा श्वालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वीडियो मैसेज सर्कुलेशन में है, जिसमें कि वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं उसमें फाइनल जो अहमदाबाद में होंगे उसको लेके टारगेटेड वे में खालिस्तानी समर्थक जो ग्रुप है SFJ उनके द्वारा एक इशू किया गया। और सिमिलरली कल जो है, पिछले कल देर रात जो है, धर्मशाला में भी एक स्लोगन राइटिंग खालिस्तान जिंदाबाद का जो ग्रेफिटी है वो सामने है, जिसको पुलिस टीम द्वारा जो है इसमें हमने संज्ञान लिया और FIR पुलिस स्टेशन सदर में इसमें दर्ज किए। इसमें पुलिस की टीम्स एक्टिवेट कर दी गई हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स भी एक्टिवेट कर दी गई हैं और इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मैटर को हम सॉल्व करेंगे। सस्पेक्टेड लोग हैं और एविडेंसेज हमने कलेक्ट किए हैं मौके से, उसी पे पुलिस उन्हीं लीड्स पे काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही जो है इसमें जो ये पूरा मैटर है ये क्रैक किया जाएगा और फर्दर इसको लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। बहुत जल्दी है ऐसा कुछ कहना, लेकिन कौन लोग थे और किस तरह से ये वॉल राइटिंग हुई है इस पर पुलिस फोकस कर रही है। और क्योंकि धर्मशाला में भी 5 वर्ल्ड कप के मैचेस होना निर्धारित है, तो इस वीडियो ऑडियो मैसेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो अपनी टीम है उसको बीपअप कर रहे हैं और हमारे जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द जब ये लीड्स को हम डेवलप करते हुए इन तक पहुँचेंगे तो ये पूरा मैटर कम्प्लीटली समझ में आएगा और किस तरह के लिंक्स इसमें इन्वॉल्व है वो भी हम इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है और उस एस्पेक्ट पे भी पुलिस टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, पुलिस सुरक्षा वर्ल्ड कप मैचेस के लिए ऑलरेडी हमने पुख्ता प्लान बनाया है और क्योंकि इस तरह की वीडियो ऑडियो मैसेज जो भी वायरल हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में भी पुलिस जो है एडिशनल अपने सर्विलेंस और मॉनिटरिंग टीम्स हम गठित कर चुके हैं और वो सभी एरियाज में जो है सर्विलेंस हमने इंटेंसीफाई कर दी है। कांगड़ा जिला में जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी सर्विलेंस इंक्रीज की गई। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि यदि आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या व्यक्ति अपने आसपास नोटिस करते हैं तो काइंडली पुलिस को तुरंत जो है सूचना दें और जिन भी जगहों पे होटल या गेस्ट हाउसेज या इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पुलिस को सहयोग करें और जो भी आपके गेस्ट आते हैं या कुछ आते हैं उनकी प्रॉपर IDs लें और उनका पूरा प्रॉपर जो है C-फॉर्म भरें और जो भी इस तरह की फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट करें और यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपको ऐसी लगती है तो तुरंत जो है पुलिस को जो है संपर्क किया जाए ताकि पुलिस अपनी कार्रवाई इसमें कंप्लीट के आपको सही नुकसान कर पाए। लाइफ टाइम्स TV के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।